वड्डी खबर सामने आ रही है, भारतीय विद्यार्थी दे गोली वजी है। जी हाँ, यूक्रेन दे विच कीव तो जिवें कि यह लड़का वापस बॉर्डर दे वल जा रहा सी अपने बचाव दे लई, तां रस्ते दे विच इस दे गोली वजी है ते अध विचकार ही इसनू कीव वापस लिआंदा गया। सो दस दे कि इस दे बारे जो जानकारी है केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने दिती है। सो दस दे कि पोलैंड दे गुआंढी दे यूक्रेन दे विच मौजूद केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने कहा कि अज सूचना मिली है कि कीव तो आ रहे एक विद्यार्थी नू गोली मार दिती गई सी ते उसनू अध विचकार ही वापस कीव ले जाया गया। उन्होंने यह भी कहना है कि असी घट तो घट नुकसान के नाल वध तो वध बच्चे नू बाहर कढ़न की कोशिश कर रहे हैं, पर दस दे कि जिस तरीके के हालात यूक्रेन दे विच बने हुए ने, सब तो ज़्यादा हालात खराब कीव ते खारकीव दे विच ने। सो उसनू लैके जिथे उत्थे रहिंदे भारतीय विद्यार्थी चिंतित ने, तो उत्थे उन्होंने मापे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान ने, क्योंकि गोलीबारी दौरान पहला ही कर्नाटक के एक नौजवान नवीन की मौत हुई सी, क्योंकि वह भी खाना लैन दे लई कतार दे विच खड़िया सी, तां उसकी गोलीबारी दौरान मौत हो गई सी, ते कर्नाटक दा ये लड़का रहने वाला सी। सो दस दिए कि हुण एक बार फिर तो गोलीबारी के दौरान एक भारतीय विद्यार्थी है जो वो जख्मी होया है, फिलहाल उसनू कीव वापस लिआंदा गया। वी के सिंह ने इस दे बारे जानकारी दी है। सो तुहानू ये भी दस दईए कि पिछले तीन दिनों के सत्त उडाणा ने जो यूक्रेन पोलैंड सरहदा ते वख वख थावां ते गईआं, जिस दे विच कि 1400 के करीब बच्चे ने जो वापस आए ने। वी के सिंह ने इसकी पुष्टि की है। वी के सिंह ने दसिया कि 1600 तो 1700 बच्चों को भारत भेजा जाना हाले भी बाकी है। पिछले तीन दिनों के 1400 बच्चे सत्त उडाणा ते जा चुके हैं। कुछ बच्चे आपो अपने ढंग नाल वारसा पहुंच गए और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को रहने का फैसला किया। वो पोलैंड भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि 5 उडाणा होर भेजिया जाएंगे, 800 तो 900 बच्चों को भारत लिया जाएगा। इतने बच्चों के ठहरन का अस्थाई प्रबंध है जो किया गया। फिलहाल वो उस स्थिति तो बाहर आ जाए जिथे कि काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि यूक्रेन के कीव ते खारकीव ते कुछ थावां ते इन्ना ज़्यादा खतरा है कि उतो बचना भी हुण मुश्किल होया पे है। सो उतों सुरक्षा तरीके दे नाल बच्चे नू बाहर कढ़िया जा रहा है, ता जो उत्थे निकल के कीती उह सुरक्षित थां ते आ जा। सो दस दे कि यूक्रेन तो भारतीयों की वापसी का मिशन चल रहा है। ब्रिटेन च फसे भारतीय विद्यार्थियों लैके भारतीय हवाई सेना के 2 जहाज़ रोमानिया के बुकारे सैट ते हंगरी के बुडापेस्ट तो गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पहुंचे। केंद्रीय राज मंत्री अजय भट्ट ने आए भारतीय नागरिकों का स्वागत भी किया, पर इसे विचाले जिवें कि आ विद्यार्थी के गोली लगन की खबर सामने आई है, इसने फिर तो बच्चों के मापिया नू काफ़ी ज़्यादा चिंता च पा दिता है, क्योंकि मापे तो पहले ही परेशान ने, क्योंकि उनके बच्चे उत्थे फसे पए ने, थोड़े जे बच्चे हाले बाहर आए ने, थोड़े जे हाले उत्थे फसे हुए ने। सो इसे विचाले किसी बच्चे दे एवें गोली वजना भी मापिया के लिए एक वड्डी चिंता वाली गल है। फिलहाल ये बच्चा कीव तो आ रहा है, तो अध विचकार रस्ते जो गोली लगी है तो इसनों वापस कीव लिया गया, जिसकी जानकारी वी के सिंह के वलों दी गई।